हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ नीता और आज मैं बात करने वाली हूँ लौंग के फायदों के बारे में। जी हाँ, ये लौंग तो इसी के फायदों के बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ। ये बहुत ही खास है और ये बहुत ही अमेजिंग है। इसके फायदे अगर आप जानेंगे तो आप जरूर इसको खाना चालू कर देंगे। इसके बहुत अच्छे फायदे हैं, इसी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो गाइज चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए गाइज बात करते हैं। लौंग एक ऐसा मसाला है जिसको इस्तेमाल हमारे घरों में किचन में काफ़ी किया जा सकता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि लौंग का सेवन जो है उसके फायदों के बारे में और उसको कब करना चाहिए और कितना करना चाहिए, उसी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए गाइस जानते हैं, लौंग पोषण तत्वों से भरपूर होता है इसलिए इसका सेवन फायदेमंद होता है। इसमें आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर, फाइबर, सोडियम, जिंक पाया जाता है। इसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती है और इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है और ये बहुत ही हमारे शरीर के लिए फ़ायदा होता है उसका। और हम अगर इसको डेली हम उसको खाते हैं तो उसके बेनिफिट जो है बहुत ही अच्छा होता है। अगर आपके दांतों में दर्द है तो आप रात में लौंग का सेवन करके दांतों का दर्द से निजात पा सकते हैं। आप लौंग का तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने दांतों के मसूड़ों के लिए। जब भी आपके दांतों में दर्द होता है तब आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे बहुत काफ़ी मात्रा में राहत मिलती है। दांतों की कैविटीज होने से रोकने में भी ये लौंग जो है मदद करता है कि जो बैड स्मेल होती है उसको भी रोकने का काम जो है ये लौंग करता है। लौंग का तेल भी आप दांत के दर्द में लगा सकते हैं। लौंग में यूजोनॉल नामक गुण होता है, इसीलिए दांतों के दर्द में जो है उससे राहत मिलती है। ये बहुत ही अच्छा गुण होता है उसमें, लौंग में यूजोनॉल, उसी की वजह से जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं। और ये हमारे दांतों के दर्द के लिए भी बहुत निजात मिलता है, कैविटीज में फ़ायदा होता है और हमारे मुंह से जो बदबू आती है, स्मेल आती है, बैड स्मेल, उसी को भी रोकने का काम जो है ये लौंग करता है। तो आप ज़रूर इससे इसका जो है इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डेली लाइफ में। आगे मैं बताऊँगी कि इसको कितना खाना है, कब खाना है, तो आगे बने रहिए वीडियो पे और वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिए। अक्सर गलत खानपान की वजह से जो है पेट खराब हो जाता है। ऐसी स्थिति में आप सोने से पहले जो है लौंग का सेवन करते हैं तो आपको जो है इसमें बहुत ज़्यादा फायदा मिल सकता है। लौंग में विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है। रात में लौंग खाने से इम्यूनिटी मजबूत होती है। शरीर में इम्यूनिटी मजबूत होने से संक्रमण होने का जो खतरा है वो कम होता है। खांसी होने पर भी लौंग का सेवन फायदेमंद हो सकता है। रात में लौंग का सेवन करने से खांसी से राहत पाई जा सकती है। लीवर शरीर का अहम अंग होता है। लौंग में यूजोनॉल नामक गुण पाया जाता है जिसके कारण लीवर हेल्दी रहने का जो है ये भी इसका बहुत ज़्यादा फायदा होता है लौंग का। लौंग का सेवन रात को करना ज़्यादा फायदेमंद होता है क्योंकि रात में हम खाना खाने के बाद जब लौंग का हम सेवन करते हैं तो हमारे डाइजेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। हमारी डाइजेस्ट जो खाना होता है वो भी अच्छी तरह से हो जाता है। हमारे लीवर के लिए भी उसका बहुत ज़्यादा फायदा होता है और इसके बेनिफिट और भी ज़्यादा बहुत होते हैं। जब आप इसका इस्तेमाल करोगे, आप डेली इसको खाओगे तो आपको इसका ज़रूर अपने आप फायदा मिलेगा। लौंग का सेवन जो है रात को ज़्यादा फायदेमंद होता है, इसलिए रात को सोने से पहले जो है रोज़ एक लौंग का सेवन करना चाहिए खाना खाने के बाद, ये बहुत ही अच्छा होता है। वैसे आप दिन में रात में कभी भी लौंग का सेवन कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा और फायदेमंद जो असर होता है वो रात को सोने से पहले अगर आप इसको खाते हैं तो इसका जो है फायदा बहुत अच्छा मिलता है। अगर आपके मसल्स में काफ़ी पेन होता है, कभी भी हमारा इधर इधर दुखता है, इधर दुखता है, कभी भी अपने आपके मसल्स में अगर ज़्यादा पेन होता है तो आप लौंग के तेल की मालिश कर सकते हैं, इससे बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। कभी भी आपके नीज में, अपने घुटने में दर्द अगर होता है तो उसको भी आप लौंग के तेल से जो है मालिश कर सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा इसका राहत मिलती है। लौंग अगर आप डेली खाते हैं तो इसमें जो है
आपका वेट जो है मैनेज रहता है, क्योंकि ये क्या करता है कि अपने मेटाबॉलिज्म को जो है ठीक करता है, इसकी वजह से जो है हमारा वेट जो है मैनेज रहता है। लोगों को खाना खाने के बाद खाना चाहिए, मैंने पहले ही बोला है, लेकिन 2 से 4 ही लौंग दिन में खाने चाहिए, उससे ज़्यादा आप नहीं खा सकते। क्योंकि देखिए, कोई भी चीज़ अगर आप ओवर ईटिंग करेंगे तो उसका नुकसान जो है भरपूर होगा, इसलिए आपको सही मात्रा में, सही क्वांटिटी में, सही टाइम पे आप अगर कोई भी चीज़ खा लेते हैं तो उसका जो बेनिफिट है बहुत ही अच्छा और बहुत अच्छा तरीके से मिल सकता है। गाइज, आपके घर में ही ये पड़ा रहता है, बहुत बार बहुत सारे लोगों को देखा है खाते हुए और बहुत सारे लोग खाते भी है, तो आप अगर इसके फायदे जान लेते हैं तो आप ज़रूर इसको देख के ही खा लेंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है गाइज, अपने घर में ही रहती है तो आप ज़रूर इसका इस्तेमाल करके अपने हेल्थ को जो है स्वास्थ्य रख सकते हैं और हेल्दी रह सकते हैं। अभी सर्दी के मौसम में तो हमारे शरीर में ठंड की वजह से इधर उधर बहुत पेन होता है, तो ये लौंग जो है ये गर्म ही है और ये बहुत अच्छा आपके सेहत के लिए फायदे दे सकता है। तो गाइज, इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच गाइज।